अभी यहाँ पे दिल्ली में बजे है 5:30 और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं पिकअप के लिए, जो कैब आने वाला है। और अभी मैं निकल रही हूँ आगरा के लिए, तो अभी हम यहाँ पे बस पिकअप पॉइंट पे हैं और वेट कर रहे हैं कैब का। और कैब आएगी जैसे ही हमारी आगरा के लिए जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स गो फॉर द आगरा। मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया आलू पराठा और कुल्हड़ चाय के साथ में, और 3 आवर्स की जर्नी के बाद में हम पहुँचे आगरा में। जैसे ही हम आगरा में पहुँचे, तभी जो लाल कलर का जो स्टोन रहता है उससे बने हुए स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। सो अभी जस्ट मैं आगरा के बाहर पहुँच गई हूँ। हम इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से आए थे और अभी हम अंदर जाने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जो भी प्रोसीजर है वो अगले वीडियो में आएगा। और अभी हम ताजमहल के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ही हम ऑटो रिक्शा से उतरे तो 20 रुपीज़ पर पर्सन रहता है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा वहाँ पे, वो लेके आप ताजमहल तक अंदर जा सकते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपको दिखता है कि लाइक ताजमहल में जाने के लिए ना 2 गेट्स है। फर्स्ट गेट जो आता है वो रहे ताजमहल एंट्री गेट। जैसे ही आप ताजमहल एंट्री गेट पे जाते हैं तो वहाँ पे लाइक जो CISF रहते हैं वो चेक इन करते हैं, जो हमारा टिकट रहता है वो जो स्क्रीन रहता है वहाँ पे लगा के हमको अंदर छोड़ा जाता है। और अंदर जाने के बाद में हमारा फिर से चेक इन होता है। कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें अंदर लाने के लिए मतलब अलाउड नहीं है, जैसे कि बड़े बैग्स अलाउड नहीं है। बस आप वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, बट खाने का कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हो। अभी अंदर आने के बाद में हमारा एक चेकिंग होता है, जो कि CISF से हम लोगों का चेकिंग हुआ जाता है और फिर हम लोगों को अंदर जाना रहता है। तो देखते हैं। जैसे ही आप अंदर आते हो तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं दिखता, लाइक ताजमहल नहीं दिखता है, पूरा बड़ा वॉल है। और उसके बाद में आपको फिर से अंदर चलते जाना रहता है और फिर अंदर एंट्री गेट स्टार्ट होता है। अभी हम लोग जाएंगे अंदर और अंदर से देखेंगे ताजमहल। जैसे ही हम फ्रिस्क होके चेक इन करके अंदर जाते तो अंदर हमें एक लाइक टनल जैसा है, जहाँ पे ताजमहल का ऑल लाइक फोटोज है, लाइक पहले कैसा था ताजमहल, फिर अब तक लाइक 2023 तक कैसे कैसे है, तो वो सारे फोटोज़ उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं। तो वो फ़ोटोज़ हमें पहले देखने को मिलती है और जैसे ही हम वो क्रॉस करके जाते हैं, फिर आता है एंट्री गेट ऑफ द ताजमहल, जो कि बहुत ही बड़ी शिल्पकला है। लाइक एंट्री गेट है, उसके बाद में मेन गेट है। एंट्री गेट भी आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है, और जो भी उन्होंने कारागिरी करी है ना, हर एक पत्थर पर कारागिरी की है उन्होंने, एक भी पत्थर ऐसा नहीं कि खाली छोड़ दो, पूरे पत्थर पे अच्छे से कारागिरी करी है। सो चलो चलते हैं अंदर और सामने से देखते हैं ताजमहल का व्यू। सो लेट्स गो। हम जैसे ही एंट्री गेट से अंदर आते हो तो लाइक उन्होंने जो भी गार्डन है वो भी वेल मेंटेन रखे हैं। जैसे ही हम एंट्री गेट से अंदर आता है तब हमें बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि है मेन गेट ऑफ द ताजमहल। तो मेन गेट के अंदर जाने के बाद ही हमें ताजमहल दिखता है, उससे पहले हमें ताजमहल नहीं दिखता है। सो यू कैन सी कि बहुत ही बड़ा एरिया है ये ताजमहल का। और अभी जाते हैं मेन गेट की तरफ। सो अभी मैं ठीक ताजमहल के सामने हूँ, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो जो मेन डोर है वहाँ से हम लोगों को अंदर जाना है। सो नाउ अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ईस्वी सन 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्ष में पूर्ण हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं मेन गेट के अंदर। आप देख सकते हैं कि डोर को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब किया है,
उसके बाद में जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पर दो साइड पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब भी कोई अंदर जाता था तभी वहाँ पे लाइक बड़े बड़े कुछ वाद्य रहते थे, वो कभी बजाए जाते थे। और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर जाते हो आपको दिखता है दी ताजमहल। जैसे ही आप नज़दीक जाते हो वैसे वैसे वो छोटा 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 दिखने लगता है। सो अभी मैं इस ताजमहल के ठीक सामने है, सो यू कैन सी दी ताजमहल। जैसे ही हम उसके नज़दीक जाते हैं वैसे वो फिर से बड़ा नज़दीक मतलब दिखता है। मतलब कैसे बनाया होगा ना वो समय पे कि जैसे हम मेन गेट से अंदर आते हैं तो लाइक बड़ा दिखता है, फिर जैसे हम एंटर होते हैं फिर छोटा दिखने लगता है, और देन जब हम नज़दीक चले जाते हैं तो अगेन वो जो विशाल मतलब स्ट्रक्चर है वो हमें दिखता है। और जो भी अंदर का पूरा गार्डन है वो पूरा वेल मेंटेन्ड है। ऐसा लाइक सोचने में लग जाती हो कि यार इतने पुराने ज़माने में इतना अच्छा स्ट्रक्चर, ये मतलब नाइस ना। सो अभी मैं ठीक सामने से जा रही हूँ ताजमहल के पास, बिकॉज ताजमहल का जो टिकट है ना वो दो हिस्सों में रहता है, ताकि जो नीचे वाला पार्ट रहता है उधर आई थिंक 35 रुपीज़ टिकट है, और जो ऊपर ताजमहल के अंदर जाना रहता है जहाँ पे मुमताज और शाहजहाँ की कब्र है, तो वहाँ के लिए 200 रुपीज़ का अलग टिकट रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर के लिए, बिकॉज़ मैंने दोनों साइड के टिकट्स ले लिए थे। और जो टिकट हम मैंने बुक किया था वो मैंने ऑनलाइन किया था, वो मैं आपको बता दूँगी। और एक बात है कि जब आप ताजमहल के ऊपर जाते हो जहाँ पे कवर है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको शूज़ के ऊपर जो कवर रहता है वो पहनना रहता है, वो वहाँ पे 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा आसानी से। सो अभी मैं हम लोग पूरे लाइक ताजमहल के ऊपर आ गए, ऊपर के लिए अलग टिकट रहता है। अभी हमने शू कवर भी पहना है, आप देख सकते। जैसे ही आप ऊपर जाते हो ऊपर से आपको पूरा चारों तरफ का व्यू दिखाई देता है, जो चार मीनार है ताजमहल के साइड पे वो भी इतने बड़े दिखाई देते हैं। और ऊपर आने के बाद में आप जो डोर है एंट्रेंस डोर है कब्र का, उधर तक शूटिंग ले सकते हो, उधर तक कैमरा यूज़ कर सकते हो, बट अंदर जाने के बाद में फोटोग्राफी वीडियो अलाउड नहीं है, तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा। बट आप देख सकते हो कि जो भी उन्होंने उस समय पे कलर यूज़ किया था वो अभी तक वैसे का वैसे ही दिखता है आपको। हर जगह पे उधर कारागिरी करी गई है, फ्लावर्स मनाए गए हैं, तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो अभी मैं नेक्स्ट जो लूँ। जैसे ही आप अंदर से बाहर आ जाते हो तो आपको दिखती है यमुना नदी, ताकि हम सबको पता है कि यमुना नदी के तट पर ताजमहल स्थित है। और ताजमहल के चारों कोनों पर करीब 40 मीटर ऊंचाई वाली सुंदर मीनारें बनी हुई है। ये मीनारें जो है वो अन्य मीनारों की तरह एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी है अगर आप देखें तो। तो यह तर्क किया जाता है कि अगर किसी भी विनाशकारी परिस्थिति में मीनार गिरती है तो वो बाहर की तरफ गिरेगी, ना कि मुख्य इमारत पर। सो इट्स सो नाइस नो। Thank you for watching my videos. Please like it, share it and subscribe it. Thank you so much.